कि गडकरी साहब जो भी कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करके ही वो दम लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर? प्रेरणा स्रोत श्री नितिन गडकरी जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास से आज जहां देश का सड़कों का बुनियादी ढांचा विदेशों से मुकाबला कर रहा है, उसके मुकाबले का बन रहा है, कई जगह जगह उससे अच्छा भी बन रहा है। कि जो CEO हैं स्वदेश जी, वो लगातार जो है दिन रात उन्होंने अथक प्रयास किया, सब सारी चीज़ें उन्होंने बेहतर तरीके से मैनेज की। स्वदेश जी का जो काम है वो वास्तव में मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही सुकून वाला काम है। मैं अभी विजिट भी करूँगा, इसके साथ साथ मैं स्वदेश जी से और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरी टीम केवल दिल्ली और उसके इर्द गिर्द ही एक्सपो लगा करके संतुष्ट न हो, जो टू टायर सिटीज हैं उनमें भी एक्सपो जाने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक बड़े प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, और सीधा सा मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, किस तरह से व्हीकल्स को लगातार जो है उस हिसाब से रिसाइकिल किया जाए जिससे कि एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जाए, उसको लेकर लगातार जो है ग्रेटर नोएडा में तमाम जो है ऐसे इवेंट्स होते हैं और EV इंडिया एक्सपो के जरिए सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिसका सीधा और साफ मैसेज देना है कि सब सारी चीजें कितना बेहतर हो सकती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल जी, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, BJP के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, संघ से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और समय समय पर तमाम आवाजों को वो बहुत दूरगामी सोचते हैं, समय समय पर वो जो भी कहते हैं आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका व्यापक असर पड़ता है। चाहे आप देख लें इंडिया भारत वाले मुद्दे पर इन्होंने पहले ही सब सारी चीज़ें अपने स्टैंड्स क्लियर कर दिए थे और उसका असर देखने को मिला। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC भारत पर। नमस्कार सर, आपसे लगातार बात हो रही थी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर जहरीली गैसों के उत्सर्जन की समस्या है जिसके कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है और सभी सोच रहे हैं, भारत ने भी 2070 तक जीरो एमिशन का संकल्प लिया है, उसके अंतर्गत सरकार की अनेक योजनाएं बन रही हैं, बायोफ्यूल 20% तक उसकी ब्लेंडिंग हो रही है। नितिन गडकरी जी हमारे जो नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हैं वो इस पर बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट करने के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर आई है, उसमें सब्सिडी है अनेक व्हीकल्स पर, और उसको प्रमोट करने का यही है कि एक सुरक्षित ड्राइविंग हो और जो एमिशंस हैं, जो जीवाश्म गैसें हैं, उनका उत्सर्जन कम से कम हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा विकल्प है। इसलिए सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है और इस प्रकार के जो एक्सपो लगते हैं उससे भी इसको प्रमोशन मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ता है, लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, डील्स होती हैं, तो उस इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिलता है। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी परसों जो है नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि डीजल गाड़ियों से जो है प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, डीजल गाड़ियों पर किसी तरह से अब जो है नकेल कसने की पूरी तैयारी चल रही है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर एक बैड इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ में तमाम जो है थोड़ा सा कॉस्ट का भी अगर देखा जाए तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, नितिन गडकरी जी अगर कोई परियोजना लेकर आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि गडकरी साहब जो भी कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करके ही वो दम लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, एक तो आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर डीजल और पेट्रोल ये बहुत कम उत्पन्न होता है, हमको आयात करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो डेफिसिट में जाता है, बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा हमको उसके लिए
चुकानी पड़ती है और अनेक देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे हमारी वो निर्भरता भी समाप्त होगी और देश के अंदर रोजगार के भी नए अवसर इससे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने जैसी फैक्ट्रियां भारत के अंदर इस्टेब्लिश हो रही हैं जी, और युवाओं को दोनों प्रकार से उसमें प्रोत्साहन और रोजगार भी मिल रहा है। प्लस हमारे यहाँ जो पिछले काफ़ी समय में आज़ादी के बाद भी जिसको उतना प्रोत्साहन नहीं मिला जी, वो है रिसर्च को जी, अन्वेषण को, नवाचार को। तो युवकों को आज उसमें प्रोत्साहन मिल रहा है और नए नए नवाचार हो रहे हैं। उसी में से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अनेक प्रकार के संशोधन, अनेक प्रकार के नवाचार करने का युवकों को अवसर मिलेगा और एक बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं इसके लिए बार बार अपने प्रेरणा स्रोत श्री नितिन गडकरी जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि उनके अथक प्रयास से आज जहाँ देश का सड़कों का बुनियादी ढांचा विदेशों से मुकाबला कर रहा है, उसके मुकाबले का बन रहा है, कई जगह जगह उससे अच्छा भी बन रहा है, और उसके साथ ही ये जो प्रदूषण डीजल का समाप्त होगा, इसके लिए 15 साल की स्क्रैप पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी लेकर के आए हैं, जिससे कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों पर न दिखाई दें, या जिस एज में आकर के वो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं उस एज में उनको स्क्रैप किया जाए। तो ये भी इस प्रकार का एक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया है और मुझे लगता है कि उनके प्रयास से इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है। सर, इस ईवी इंडिया प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सीईओ हैं स्वदेश जी, वो लगातार जो है दिन रात उन्होंने थक प्रयास किया, सब सारी चीज़ें उन्होंने बेहतर तरीके से मैनेज की, और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने प्रगति मैदान में एक इवेंट कराया था बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें जो है इन्वायरमेंट को लेकर पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर फोकस किया गया था कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बेहतर दिया जा सके, जो चीज़ें यूज्ड हैं उनको रिसाइकिल करके यूज किया जा सके। और साथ ही साथ में अब ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत जल्द ही जो है स्पोर्ट्स को लेकर एक बड़ा इवेंट संभालेंगे, वो उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। स्वदेश जी को मैंने समझा जाना, उसके बाद मैंने उनसे जुड़ने के लिए पूरी सब सारी चीज़ें मैंने बनाई, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से वो एक सिस्टम से चल रहे हैं जिससे देश का भला हो सके। उन्होंने पूरा अथक प्रयास किया उसको लेकर, वो सब सारी चीज़ें मैंने देखी। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्वदेश जी को? देखिए, जितना आपने बताया है, मैं तो अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन स्वदेश जी का जो काम है वो वास्तव में मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही सुकून वाला काम है, और ऐसे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए, सबने उसमें सहयोग करना चाहिए जी। क्योंकि आने वाला भारत, जिसको हम कहते हैं एक भारत, श्रेष्ठ भारत जी, समर्थ भारत, सुरक्षित भारत, मोदी जी के नेतृत्व में जो बन रहा है, उसमें यह भी आवश्यक है कि स्वदेश जी जैसे नौजवान आगे आकर के उसमें अपना योगदान दें। कई सालों और सर ये प्रोग्राम चल रहा है और उसके और उनका ईवी व्हीकल एक्सपो और इसके साथ जो आपने बताया कि अभी वो स्पोर्ट्स में करने वाले हैं, ये वास्तव में युवकों के लिए प्रेरणादायक होगा और उनको एक रास्ता भी दिखाएगा। मैं इसके लिए स्वदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले साल भी अभी जो है नितिन गडकरी साहब ने अपना गुडविल मैसेज दिया, इस पूरे प्रोग्राम को उन्होंने जांचा परखा और उसके बाद अपना गुडविल मैसेज दिया, महेंद्रनाथ पांडे जी ने भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बाद सिस्टम से वो काम कर रहे हैं। आप लोगों का सर अगर सहयोग बना रहेगा तो बहुत बेहतर करेंगे। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अभी जो है ये इंटरव्यू ख़त्म करके एक बार पूरा सब कुछ विजिट करें, आप भी जाँचेंगे परखेंगे चीज़ों को, तो वास्तव में आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बेहतर किया गया है। मैं अभी विजिट भी करूँगा, इसके साथ साथ मैं स्वदेश जी से और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरी टीम केवल दिल्ली और उसके इर्द गिर्द ही एक्सपो लगा करके संतुष्ट ना हो जी। जो टू टायर सिटीज हैं उनमें भी एक्सपो जाने चाहिए जी, जी। क्योंकि आसपास के देहात में आज जो यूथ है जी। उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है जी। उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो जब आप टू टायर सिटीज में जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी ने एक एग्जाम्पल खड़ा किया विश्व के सामने, G20 की जो मीटिंग्स हैं वो टू टायर और थ्री टायर सिटीज में कराई, केवल बड़े बड़े शहरों में नहीं कराई जी। तो उसका एक व्यापक असर पूरे देश में दिखाई देता है।
ऐसे ही स्वदेश जी और आपकी टीम ये एक्सपो नीचे तक लेकर के जाए, 2 टायर 3 टायर सिटीज तक जाए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल वहाँ पर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वहाँ से बहुत सा अवसर मिलेगा, तो ये भी मेरा निवेदन है। बिल्कुल सर, आपके जो भी चीज़ें हैं उस पर पूरी तरह से विचार विमर्श करके उस पर काम किया जाएगा। NBC भारत को अपना कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ नरेश बंसल जी, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं, BJP के कद्दावर नेता, जिन्होंने साफ तौर पर ये मैसेज दिया कि ईवी इंडिया एक्सपो जो है बेहतर काम कर रहा है और बेहतर करना चाहिए। उन्होंने कुछ अपने सुझाव भी रखे हैं। साथ ही साथ में अब जो है वो यहाँ से निकलेंगे और सब सारी चीज़ों का अवलोकन करेंगे, बारीकी से परीक्षण करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए किस तरह से ईवी इंडिया के जरिए सब सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।